नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। और आरडी परेड, गार्ड ऑफ ऑनर, एक राजपत्रित अधिकारी, 15 अधीनस्थ अधिकारी, 110 सैनिक को मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जैसे ही प्रावधान खत्म होता है और चंद ही क्षणों में हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। कि आप देख पा रहे हैं हमारी लास्ट कंटिजेंट 99 आरएफ की ये टुकड़ी में अभी अपने 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया था। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे और जैसा कि आपको
मालूम है कि पूरे देश में आज जो हिस्सेदारी नहीं वह तारीफों काबिल थी। इसी प्रकार प्रत्येक संगठन में भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यह मनाया जा रहा है। सुबह से आज के कार्यक्रम में कई प्रोग्राम्स हुए हैं और पिछले चार दिन में जब से ये कार्यक्रम का निर्देश मिला है भारत सरकार की तरफ से, आप लोगों ने तत्पर जुट कर यहाँ आए। रंगारेड्डी और आरएफ वहीं पर अपने कैंप में अभ्यास करने का हमें समाचार मिला है। ग्रुप सेंटर और सिग्नल के नुमाइंदे इस परेड ग्राउंड में अपना अभ्यास कर रहे थे। बैंड सर्व हर समय जैसा अपना एक उच्च स्थान यहाँ पर रखने को देखने को मिला है हम सबको। ये जो चार दिन का प्रयास आप लोगों का रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है। इससे हमें एक ही चीज़ पता चलता है कि थोड़े समय में हमें जो भी कार्य मिलेगा हम उसको अच्छी तरह से और उदय तरीके से हम इसको करने में सक्षम हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को दोबारा बधाई देते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। समीक्षा क्रम में आगे बढ़िए मध्य से प्रदर्शन आज का शाम का ये परेड आप लोगों का, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी, जवानों और मौजूदा जनरल पब्लिक और सीआरपी के फैमिली मेंबर्स, आज हम यहाँ सभी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तब से प्रतिवर्ष इस दिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस एकता, अखंडता और सुरक्षा के वास्तविक और प्रदान करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में न केवल सीआरपीएफ बल्कि देश के संदर्भ में भी जितनी ही भी कम बताया जाए वो कम रहेगा। नेता के रूप में भाग लिया, साथ ही साथ उन्होंने उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप आज़ादी के बाद इस देश को 550 से अधिक स्वतंत्र रियासतों का एकीकरण कर राष्ट्र को छोटे छोटे टुकड़े में बंटने से बचाया। आज़ादी के बाद एक केंद्रीय बल के रूप में क्राउन रिजर्व पुलिस, जिसे अब हम सभी सीआरपीएफ के रूप में जानते हैं कि केंद्रीय रिजर्व बल के रूप में भी पहचानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इसे सीआरपीएफ नाम के साथ एक नई पहचान दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश द्वारा भारत गणराज्य के स्थापना नेता और सीआरपीएफ द्वारा उनके पूर्व के रूप में हमेशा पहचाना जाता है। वे आजादी के बाद ओके सर।
हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, उनके जन्मदिन के दिवस पे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे 1947 में इंडिया के बहुत छोटे छोटे राज्य थे, उनको एक करने में, उनको एक साथ पूरे भारत को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। उसी उपलक्ष्य में ये आज एकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह हमने यूनिटी रन की और उसके बाद अभी ये परेड, जो जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं हैदराबाद में, वो परेड पूरी आज ऑर्गेनाइज की गई और काफ़ी अच्छी परेड ये ऑर्गेनाइज की गई। उसी उपलक्ष्य में अगले 15 दिनों में और एक महीने में हम लोग ने कई स्पोर्ट्स के इवेंट, कई स्वच्छता अभियान और कई जो है पेंटिंग कंपटीशन, बच्चों के लिए डिबेट कंपटीशन वगैरह रखा है, जिसमें कि बच्चों के बीच में और आम जनता के बीच में जो है राष्ट्र की भावना पैदा हो और वो देशभक्ति की तरफ ज़्यादा अपना प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी సందర్భంలో ఈ రోజు మనం పొద్దు నుంచి వేరే వేరే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము। యూనిటీ రన్ అయ్యింది, దాని తర్వాత ప్లేజ్ తీసుకున్నాం, ఈవినింగ్ లో మన పరేడ్ జరిగింది। గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమర్స్ డిపార్ట్మెంట్ మాది పటేల్ గారు మా హోమ్ మినిస్టర్గా మా హెడ్ ఉండేవారు ఒక టైంలో, మదర్ అప్పుడు మా ఫోర్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ టైంలో గ్రౌండ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫోర్స్ అని ఉండేది, అతని ద్వారానే దీన్ని పేరు మార్పించి సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ అనేది పెట్టారు। ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ కార్యక్రమం వేరే వేరే ఎలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారో అలా జరుగుతుంది। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంతో పాటు వచ్చే సమయంలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చిల్డ్రన్ స్కూల్ తో అసోసియేట్ అయ్యి మేము డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్స్, డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్, రంగోలీ ఇలాంటివన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తాము। ఆ సందర్భంలో ఈరోజు మొదటిసారి 31st కదా ఈ రోజు ప్రారంభిస్తాం। థ్యాంక్ యూ। సో మాలూమ్ హై కి ఆజ్ రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ హై, ఈ రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్